हेलो टेंथ क्लास। तो कल हमने बात की थी ह्यूमन एस्क्रिटरी सिस्टम पे, हमने बात की थी, ठीक है। तो उसमें आपने देखा भाई कि आपकी जो किडनियाँ होती हैं, ठीक है, किडनी के बाद फिर क्या होता है, यूरिटरी, आपके यूरिटर्स होते हैं, ठीक है। फिर ये यूरिटर्स जो होते हैं वो बेसिकली कहाँ जुड़ते हैं आपके, यस, कहाँ जुड़ते हैं आपके, एक यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ते हैं, और लास्ट में क्या होता है आपका यूरिथ्रा होता है, ठीक है। तो ये सारा हमने इसमें पढ़ दिया था। फिर हमने देखा था जो आपकी किडनी होती है वो किडनी क्या काम करती है, वो फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है ना, वो फिल्टर करने का काम करती है। और सारा का सारा जो भी आपका क्या होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है, जो अननेसेसरी सॉल्ट होता है। और दूसरा हमने क्या बोला था, यूरिक एसिड, ठीक है, और यूरिया, ठीक है। इन सब चीजों को क्या कर रहा था, ये आपका एक प्रकार से भार की तरफ, मतलब कि इसको डाल रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत हमने ह्यूमन एस्क्रिटरी के बारे में पढ़ा था। और हमने कल ये भी बात की थी कि ह्यूमन एस्क्रिटरी सिस्टम में जो किडनी होता है, किडनी की जो यूनिट सेल होती है, ठीक है, जो किडनी की यूनिट सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज हम नेफ्रॉन के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन आखिर में किस प्रकार से आपका जो जो ब्लड है, उस ब्लड में से जो सॉल्ट होते हैं, यूरिक एसिड होता है, जो यूरिया होता है, उसको क्या करेगा, फिल्टर करने का क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो कल आपने बेसिकली कुछ चीजें इसमें पढ़ ली थी। जैसे हमने कल बोला था कि जो आपकी क्या होती है, रीनल आर्टरी होती है, ठीक है ना, जो रीनल आर्टरी आपकी होती है वो क्या काम करती है, वो O2 वाला ब्लड ले जाने का काम करेगी, ठीक है। फिर उस O2 वाले ब्लड में क्या होता है, आगे वो फिल्टर होता है वहां पर से, ठीक है। और उसी O2 वाले ब्लड से क्या होता है, जो सॉल्ट होता है, जो यूरिक एसिड होता है, और जो आपका यूरिया होता है, ये क्या होता है, वहां से फिल्टर होने का काम मैंने उनमें होता है, ठीक है। अब होता क्या है, इसके आगे की कहानी सुनो यहाँ पे, ठीक है। जब ये जो आपका ये रीनल आर्टरी है, जब ये रीनल आर्टरी इस प्रकार से कहाँ गई, ये रीनल आर्टरी हमने कुछ इस प्रकार से बनाई थी ना ऐसे, ये किडनी में गई, ठीक है। तो जब ये किडनी के पास जाएगी तो क्या होगा, अब ये ट्यूब्यूल्स में आगे क्या होगा, ये ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो ये ट्यूब्यूल्स है, हम यहां से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो एक ट्यूब्यूल जो है इसको हम बोलते हैं एफरेंट रीनल ट्यूब्यूल्स। देखो तो ये एफरेंट रीनल ट्यूब्यूल्स है, इसमें आपको क्या जा रहा है, ये ब्लड की जा रहा है, ठीक है। ये ब्लड चला गया आपका एफरेंट रीनल ट्यूब्यूल से होते हुए, ठीक है। इसमें कौन सा ब्लड है बेटा, इसमें आपका बेसिकली O2 वाला ब्लड है, ठीक है ना, एफरेंट रीनल ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे जैसे ही एफरेंट रीनल ट्यूब्यूल गया, यहाँ पे सारा का सारा जो आपका क्या है, जो ट्यूब्यूल्स है, ये पूरा एक प्रकार से क्या बना दिया, कप से भी स्ट्रक्चर बना दिया, और पूरा का पूरा एक प्रकार से गुच्छा बन गया, ये देखो, है ना, पूरा का पूरा क्या गया, गुच्छा हो गया। इसको हम बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस, ये देखिए, है ना, इस वाले सिस्टम को जो यहाँ पे आपका है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। और जब ये ग्लोमेरुलस ये जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे फिल्टर होता है, ठीक है, यहां से क्या होगा, छनेगा, छनेगा। ये होता कैसे करके है, देखो जैसे ही आकर जो एफरेंट रीनल आर्टरी गई, ये आगे क्या होगा, ये इस कप शेप में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा दबाव जाना ज्यादा बनेगा, ठीक है। इस दबाव के कारण क्या होगा, ये पोर थोड़ा सा खुल जाएंगे, और पोर जब खुलेंगे तो क्या होगा, इसमें जो फ्लूड होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो नीचे की तरफ इसने क्या किया, मूव किया, यहां से ये पोर से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा कहां गया, नीचे की तरफ आया, ठीक है ना। अब इस फ्लूड में बेसिकली होगा क्या, इस फ्लूड में होगा बेटा आपका एक तो वाटर, ठीक है ना, इसमें वाटर होगा, इसमें सॉल्ट होगा, ठीक है, इस वाटर, इसमें क्या होगा आपका यूरिया होगा, इसमें आपका क्या होगा, यूरिक एसिड होगा इसमें, ठीक है, इसमें और आपका क्या होगा, ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, इसमें आपका अमीनो एसिड भी हो सकता है, इतनी सारी चीजें क्या होंगी, इसमें मिक्सअप होंगी, ठीक है। इस वाले जो जो फ्लूड होगा, इसमें क्या होगा, सारी की सारी चीजें क्या है, ये मिक्सअप हो गई है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये एफरेंट रीनल ट्यूब्यूल इधर गया ना, यहाँ पे से इसने गुच्छा बनाया, पूरा गुच्छा बनाने के बाद क्या बना, ग्लोमेरुलस हम बोल रहे हैं। अब यहां से देखो एक ट्यूब ऊपर की तरफ जा रही है, देखो यहाँ पर से गया ना, और इस प्रकार से क्या हुआ, ये ट्यूब ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं इफरेंट रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ये जो इफरेंट रीनल ट्यूब्यूल होता है, ये जो छना हुआ ब्लड है, ठीक है, उसको क्या करेगी, उसको आगे ले जाने का काम करेगा ये, ठीक है ना। इसकी जो एक वायर है, ये समझो ना, इसकी एक वायर है, यहां से आई, इसके बाद इसने यहाँ गुच्छा बना दिया, फिर ये फिर यहां से क्या होगा, बाहर निकल गया। तो इसका हम बोलते हैं इफरेंट रीनल ट्यूब्यूल, और इसमें कौन सा ब्लड आएगा, छना हुआ ब्लड इसमें जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको एक कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो, यहां से लेकर ये देखो, ये यहाँ, ये यहाँ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, ठीक ना, इसको हम बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल यहाँ पे। अब ये क्या होगा, इस बाउमेन कैप्सूल से आपका जो फ्लूड है, जो आपका ऐसा ब्लड है जिसमें क्या क्या मिला है, वाटर, सॉल्ट, यूरिक एसिड, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सब चीज मिला हुआ, यहां से मूव करेगा ये, देखो यहां से मूव किया इसने, यहां से मूव किया इसने, यहां से मूव करता रहेगा, यहां से मूव करता रहेगा, यहां से, यहां से, यहां से, और मेन डक्ट में जाएगा, ठीक ना। अब इसमें क्या था, इसमें वाटर था, सॉल्ट था, यूरिक एसिड था, यूरिया था, अमीनो एसिड, सब चीज कहां हो जाएगा, यहां कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, कि इसमें
इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो इसने निकालना क्या है, इसने सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है ना, इसने सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना है, इसने यूरिया को एब्जॉर्ब करना है, इसने यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करना है, इसने वाटर को एब्जॉर्ब करना भी है, नहीं भी करना है, ठीक ना। होता क्या है बेटा कि कभी कभी बॉडी में आपके वाटर की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी तो बॉडी को क्या चाहिए, वाटर की डिमांड चाहिए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी बॉडी में जो वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा यहां से, ठीक है ना, यहां से एब्जॉर्ब किया जाएगा, ओके। और जब आपकी बॉडी में एक्सेस माने कि वाटर की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ज्यादा होने पे क्या होगा, अब आपको ये ब्लड यहाँ पे क्या चाहिए, अब जब ज्यादा है आपकी बॉडी में तो क्या होगा, ब्लड वाटर ज्यादा है तो इसकी डिमांड अब आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, फिर ये यहाँ से सीधे वाटर को क्या करेगा, यूरिया के साथ क्या कर लेगा, बाहर कर लेगा, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने जैसे गर्मियों के टाइम पे जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो क्या क्या होगा, आपकी बॉडी को उस टाइम वाटर की ज्यादा डिमांड होती है, वाटर की ज्यादा डिमांड होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो किडनी है, जो नेफ्रॉन है, ये क्या करेगा, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, वहां से वो वाटर को क्या नहीं करेगा, बाहर नहीं भेजेगा, ठीक है ना। लेकिन वही टाइम पे जब आपने ज्यादा पानी पी लिया, ठीक है, बहुत सारा पानी पी लिया आपने, 5-6 लीटर पानी पी लिया आप लोग आपने पूरा दिन भर, तो क्या होगा इससे भाई, अब आपकी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी क्या है, बनी हुई है, बनी हुई, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है ना। दूसरा देखो, ग्लूकोज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब करेगा, ये इसको भी बाहर नहीं भेजेगा। अमीनो एसिड भी क्या होता है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी बाहर नहीं भेजेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, आपने अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज गौर की होगी, यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा क्या बना रखा है, एक ट्यूब बना के देखिए, इस ट्यूब ने क्या किया, इसको घेरा बना रखा है, इसको इस प्रकार से लपेट रखा है, इसको इस प्रकार से, ठीक है। क्यों लपेटा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो जैसे यहाँ पे आपका क्या चला गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका सॉल्ट था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था आपका वाटर था, ओके। अब ये वाटर था तो क्या होगा, ये वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर ये इसमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज था मान लीजिए, ठीक है, ग्लूकोज था, अब ग्लूकोज था तो ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ अंदर ग्लूकोज है, ठीक है। तो यहाँ अंदर ग्लूकोज है तो क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा इस ट्यूब में, फिर ये काम मिल जाएगा आपका, ये इधर से होते हुए यहाँ मिल जाएंगे, आ रही बात समझ में। यानी कि क्या है, यानी कि आप ये समझो कि जो वाटर है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, इसका रीअब्सॉर्ब आपका यहाँ पे भी किया, यहाँ पे किया जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसी फालतू नहीं भेजा जाएगा आगे, ओके। अब देखो कुछ ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें मैंने क्या बोला, बाउमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, पीसीटी बोलते हैं इसको, ठीक ना, प्रोक्सिमल इसको बोलते हैं, कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। और एक यहाँ पे इधर वाला पार्ट जो है इसको हम डीसीटी बोलते हैं, ठीक है ना, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसको डीसीटी बोलते हैं, ठीक है ना, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। हालांकि इतना ज्यादा आपके पास है नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत नाम पता होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या आपका मेन डक्ट है, जो यहाँ पे लूप दिखाई दे रहा है आपको ना, इस लूप को हम बोलते हैं हैंसलेस लूप, ठीक ना, हैंसलेस लूप है यहाँ पे, ठीक ना। अब देखिए एक बात ये भी है कि यहाँ तक तो वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, इस रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, ये देखो यहाँ तक वाटर रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, लेकिन हैंडलेस लूप्स के ऊपर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है दोबारा, अगर जो वाटर यहाँ तक पहुंच गया तो इसको दोबारा रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपको बात क्या होनी चाहिए, इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली यही इसमें हुआ, ठीक है, होता कुछ नहीं है इसमें, मतलब कि ये जो आपका इफरेंट रीनल ट्यूबुल है, इससे आपका ओटू वाला ब्लड यहाँ गया, यहाँ से फ्लूड बन के क्या चला गया, नीचे की तरफ गया, फ्लूड में क्या क्या था, फ्लूड में ये सारी चीजें थी, वाटर था, सॉल्ट था, यूरिया था, यूरिक एसिड था, ग्लूकोज अमीनो एसिड सब था। इसके बाद ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर रीअब्सॉर्ब होगा, क्या क्या रीअब्सॉर्ब होगा, सॉल्ट होगा, वाटर होगा, सब चीज रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है ना। और लास्ट में क्या होगा, फाइनली कलेक्टिंग डक्ट मिल जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आपका फाइनली क्या क्या मिलेगा, तो आपका मिलेगा वहां पे सॉल्ट मिलेगा, वहां पे आपका यूरिया मिलेगा, वहां पर यूरिक एसिड मिलेगा। अब सारे के सारे नेफ्रॉन, अब मैंने बोला ना आपको कि एक नेफ्रॉन नहीं होता है, लगभग आपके 1 करोड़ से ज्यादा क्या होते हैं नेफ्रॉन आपकी किडनी के अंदर क्या होते हैं लगे होते हैं, इतने सारे फिल्टर होते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके नेफ्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, ये सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट में क्या भेजते हैं, अपना सीक्रेशन भेजते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या सीक्रेशन किया इसने, सॉल्ट को यहाँ पे डाल दिया कलेक्टिंग डक्ट में, आपका यूरिया को डाल दिया, ठीक है, आपका यूरिक एसिड को डाल दिया, और विशेष कंडीशन में मैंने क्या बोला, वाटर को भी क्या डाल सकता है, यहाँ पे डाल सकता है। अब इस कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, ये इस प्रकार से कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, ये जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में गया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यूरिटर में जाएगा, ठीक है, यूरिटर से फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर, फिर यहाँ से यूरिथर से बाहर, ओके। तो ये है आपका एक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बड़ा
बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कई बार एग्जाम में ये आता है आपके। अगर आपको कोई भी क्वेरीज इसके संबंधित करनी है तो आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसमें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसका मैं सॉल्व मैं आप इसको करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए कल हम नेक्स्ट, ये जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक यही था, इसमें नेक्स्ट देखते हैं अगर कोई टॉपिक हमसे छूट गया हो तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय।